का फिर से हमारे YouTube चैनल पे आने का। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं चार टॉपिक्स के बारे में कि मेटल डिटेक्टर और गोल्ड डिटेक्टर किसे कहते हैं, मेटल डिटेक्टर और गोल्ड डिटेक्टर कितने गहराई तक काम करता है, गोल्ड डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर परचेज करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, और गोल्ड डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर की प्राइस क्या है इंडिया में। तो दोस्तों आज मैं जो है इसी बारे में जो है बात करने वाले हैं। अगर आप जो है मेटल डिटेक्टर मशीन परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को जो है दोस्तों स्किप मत करिएगा, नहीं तो जो है आपको आधी अधूरी जानकारी ही मिल पाएगी। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि मेटल डिटेक्टर और गोल्ड डिटेक्टर किसे कहते हैं। मेटल डिटेक्टर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें होती हैं जो कि अंडरग्राउंड कोई भी धातु हो उसे पता लगाने के लिए होती है। हाँ कुछ ऐसी मशीनें होती है दोस्तों कि आपको जो है बता सकता है कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है, या चाहे जो भी मेटल हो अलग अलग बता सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये गलतफहमी होती है दोस्तों कि जो है मेटल डिटेक्टर डायमंड और जेमस्टोन को भी सर्च करता है। तो दोस्तों मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेटल डिटेक्टर सिर्फ ओनली मेटल को सर्च करता है, ना कि डायमंड और जेमस्टोन को। अगर आपको डायमंड और जेमस्टोन सर्च करना है तो उसके लिए अलग मशीन होती है। और सेकंड टॉपिक है दोस्तों कि मेटल डिटेक्टर मशीन कितने गहराई तक काम करता है। तो गहराई को समझने के लिए दोस्तों हमें आठ बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारे पास ये मेटल है, ठीक है। तो अगर ये मेटल जो है इस शेप में रहेगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1 फीट या 1.5 फीट तक सर्च कर पाएगा। लेकिन अगर ये मेटल जो है इस शेप में है तो इसका लंबाई और चौड़ाई जो है बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। इसे क्या करेगा, ज्यादा गहराई तक सर्च करेगा, ऑलमोस्ट 3 फीट 4 फीट तक कैच कर सकता है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों सपोज दैट एक क्वाइन है, ठीक है। एक क्वाइन को जो है चाहे जो भी मशीन हो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा जो है 1 फीट से ज्यादा सर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही क्वाइन जो है किसी मटके में रखा हुआ है या किसी बॉक्स में रखा हुआ है, बहुत सारा है, उसका लंबाई चौड़ाई ज्यादा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसे ज्यादा गहराई तक सर्च करेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सेकंड टॉपिक है सॉयल मिनरलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो जो है कहीं पर हैवी मिनरल एरिया होता है और कहीं पर लो मिनरल एरिया होता है। तो दोस्तों अब मिनरल्स क्या है, तो अब जो है मिनरल को समझने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि चुंबक अगर हम मिट्टी में रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेटल्स के छोटे छोटे कण जो है चुंबक में चिपक जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर जहां पर इनकी मात्रा जो है बहुत ज्यादा होगी जिन सॉइल में, तो वहां पर क्या होगा कि हम बोलते हैं कि वहां पे हैवी मिनरल्स एरिया है। और जहां पर जो है चुंबक रगड़ने से छोटे छोटे मेटल्स के कण चुंबक में नहीं आते हैं, जो भी आते हैं बहुत कम आते हैं, तो उसे बोलते हैं लो मिनरल एरिया, ठीक है दोस्तों। तो ये भी जो है डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर कि जहां पर अगर हैवी मिनरल्स एरिया है तो वहां पर आपको डेप्थ कम मिलेगा, और जहां पर लो मिनरल एरिया है वहां पर आपको ज्यादा डेप्थ मिलेगी। और दोस्तों मिट्टी की क्वालिटी, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर तरह की मिट्टी अलग अलग हो जाती है, जैसे कि कहीं पर ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, कंकड़ पत्थर वाला भी एरिया होता है, और कहीं कहीं पर दोस्तों टोटली जो है रॉकी एरिया होता है। तो इन सब जगहों पर जो है क्या होता है कि डेप्थ जो है कम मिलती है। लेकिन अगर प्योर मिट्टी है तो प्योर मिट्टी में दोस्तों चाहे जो भी मशीन हो वो ज्यादा गहराई तक मेटल को कैच करता है। और पॉइंट नंबर 3 कि जमीन के अंदर जो भी मेटल है वो कितना पुराना है, कितने समय से जो है जमीन के अंदर दबा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो भी मेटल जमीन के अंदर दबा हुआ है उसका जो है मेटल का साइज कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो कितने समय से जो है जमीन के अंदर दबा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है दोस्तों मेरे से पूछते हैं सर मुझे जो है प्रैक्टिकल देख करके ही मैं मशीन जो है खरीदूंगा। तो मैं उन लोगों को जो है दोस्तों ये चीज बताना चाहता हूँ कि भाई अगर जो है जो भी मेटल डिटेक्टर आप परचेज कर रहे हैं, आप अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो नया मेटल को जो है मेटल डिटेक्टर मशीन सर्च तो करता है, बताएगा आपको, लेकिन ज्यादा गहराई तक उसे सर्च नहीं करता है, ठीक
ठीक है, जैसे कि ये नया मेटल है, ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये मेटल जो है जमीन के अंदर मैं जो है दबा देता हूं, उसके ऊपर सर्च करता हूं, ठीक है भाई, बताएगा लेकिन जो है ज्यादा गहराई तक नहीं कैच करेगा। लेकिन अगर इतना ही बड़ा जो है मेटल का साइज, मतलब कि काफी सालों से जो है जमीन के अंदर दबा हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है, कंडक्टेड आइटम बन जाता है, उसमें एक रेडिएशन बन जाती है, तो उसे जो है मेटल डिटेक्टर ज्यादा से ज्यादा गहराई तक कैच कर सकता है। नया मेटल होगा दोस्तों तो उसे ज्यादा गहराई तक नहीं कैच करता है, ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, क्वाइल का साइज, ठीक है दोस्तों। अब हमें जो है कैसे पता चलेगा कि जो मेरे पास मेटल डिटेक्टर है या जो मैं मेटल डिटेक्टर मशीन परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है, उसकी कॉइल की साइज क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो है मेटल डिटेक्टर जो मेरे पास है, जो मैं खरीदना चाहता हूँ, वो कितनी गहराई तक सर्च कर सकता है या करेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि मेटल डिटेक्टर की मशीन की जो कॉइल होती है, ठीक है, वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि अब दोस्तों ये क्वाइल है, ठीक है, अब ये क्वाइल है दोस्तों ऑलमोस्ट जो है 6-7 इंची की है, ठीक है, तो अब इतनी बड़ी क्वाइल जो है आपको 8-10 फुट तक तो सर्च करके बताएगी नहीं, ठीक है, या 3-4 फुट तक नहीं बताएगी। अब इतनी बड़ी क्वाइल की साइज है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट 2 फीट या 2.5 फीट में मांग के चलता हूँ, उससे ज्यादा सर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए 10.5 इंची की कॉइल है, ठीक है, अब ये 6 इंची की कॉइल और ये है 10.5 इंची कॉइल, तो अगर ये कॉइल जो है बड़ा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये ज्यादा गहराई तक सर्च करेगा, ठीक है। अब ये सबसे स्टैंडर्ड कॉइल साइज है दोस्तों, ये मोस्टली हर मशीन में जो है पाया जाता है, 11 इंची की डबल डी प्लेट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 11 इंची का डबल डी जो प्लेट होती है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 फीट 4 फीट या 5 फीट, उससे ज्यादा जो है सर्च नहीं करता है, ठीक है। लेकिन कोई कोई दोस्तों जो है आपको बताते हैं कि 11 इंची की डबल डी प्लेट है और वो जो है आपको 6-7 फीट तक सर्च कर पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेन खेल है कि जो मेटल डिटेक्टर आप खरीदना चाहते हैं या आपके पास है, अगर जो है उसका क्वाइल छोटा है या 11 इंची का है या 7-8 इंची की क्वाइल है या 10 इंची की क्वाइल है, ठीक है, वो ज्यादा गहराई तक नहीं सर्च कर पाएगा। ज्यादा गहराई तक आपको सर्च करना है दोस्तों तो आपको बड़ी क्वाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अब ये क्वाइल है दोस्तों, ठीक है, आपने देखा होगा 15 इंची क्वाइल, ठीक है, अब ये 15 इंची क्वाइल है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ज्यादा गहराई तक सर्च करेगा। तो अब 15 इंची क्वाइल है तो दोस्तों बहुत ज्यादा ज्यादा जो है 7-8 फीट 10 फीट, 10 फीट से ज्यादा सर्च नहीं करेगा, मैक्सिमम जो होता है 10 फीट तक 15 इंची की क्वाइल जो है सर्च करती है या कर सकता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे ज्यादा गहराई तक नहीं सर्च कर पाएगा। अगर आपको जो है 8-10 फीट से ज्यादा गहराई तक सर्च करना है तो उसके लिए आपको बड़ी क्वाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मेरे पास ये है 18 इंची क्वाइल है, अब ये जो है 15 इंची क्वाइल के मुकाबले जो है ज्यादा गहराई तक 18 इंची की क्वाइल सर्च करेगी, ठीक है दोस्तों। मार्केट में दोस्तों 1 मीटर की क्वाइल 2 मीटर की क्वाइल अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा गहराई तक सर्च करना है तो आपको बड़ी क्वाइल की जरूरत पड़ती है, यह चीज आपके लिए बहुत अहम बात होती है। और हाँ दोस्तों, छोटे कॉइल और बड़ी कॉइल का क्या मतलब है, ठीक है दोस्तों। अब छोटी कॉइल जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, वो अगर आपको जो है गोल्ड नगेट हंटिंग करनी है, जैसे कि ये छोटी कॉइल है, ठीक है, तो गोल्ड नगेट हंटिंग के लिए वो जो है बहुत परफेक्ट होता है, अच्छे से वो कैच कर सकता है। लेकिन अगर उसी जगह पे आप बड़ी कॉइल आप यूज करते हैं दोस्तों, तो वो जो है छोटे छोटे टारगेट्स को छोड़ देता है, ठीक है। अब मार्केट में जो है दोस्तों 2x2 मीटर की 1x1 मीटर की क्वाइल अवेलेबल है, तो क्या है कि वो छोटे छोटे जो है मेटल्स को छोड़ देता है, ठीक है, वो छोटे छोटे मेटल को सर्च करने के लिए नहीं होता, वो ट्रेजर हंटिंग के लिए होता है। तो अगर आपको नगेट हंटिंग करनी है, कॉइन हंटिंग करनी है दोस्तों,
तो आपको छोटी कॉइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको ट्रेजर हंटिंग करनी है तो आपको बड़ी कॉइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फोर, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो है अगर हम मशीन को घर के अंदर यूज करते हैं या जो है जहां पर वायर, बिजली की वायर होती है, ठीक है, जो हाई पावर की जो वायरें होती हैं, तो अगर हम उसके नीचे मशीन को यूज करते हैं तो मशीन जो है दोस्तों वहां पर आपको कम डेप्थ देगी, ठीक है, ज्यादा गहराई तक सर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है आप इलेक्ट्रिकल एरिया से दूर हैं तो ज्यादा गहराई तक जो है मेटल को सर्च करेगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर सिक्स, ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर सिक्स क्या है दोस्तों कि मेटल, जो भी मेटल है वो किस धातु का बना हुआ है, ठीक है, कौन सा मेटल है। इस पे जो है जैसे कि अगर गोल्ड है, ठीक है, या सिल्वर है, या आयरन है, या जो है कॉपर, एल्यूमिनियम। अब जैसे दोस्तों क्या है कि अगर मेटल, सपोज दैट आयरन, आयरन का बॉक्स है, अब आयरन के बॉक्स के अंदर जो है गोल्ड रखा हुआ है, कोई अदर धातु है, तो अब जो भी मेटल जो है मिलेगा पहले उसी को जो है मेटल डिटेक्टर आपको सिग्नल भेजेगा कि ये मेटल हो सकता है, ठीक है, या ये मेटल है। अगर जो है एक साइड आयरन है और दूसरी साइड गोल्ड है, ठीक है, तो दोनों का डेप्थ जो है दोस्तों अलग अलग होता है। अब दोस्तों पॉइंट नंबर सेवन, ग्राउंड बैलेंसिंग, ठीक है दोस्तों। तो ग्राउंड बैलेंसिंग एक अहम बात होती है खास करके मशीनों में। तो ग्राउंड बैलेंस क्या है, ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं पर हाई मिनरल एरिया है और कहीं पर लो मिनरल एरिया है, ठीक है दोस्तों। अब जहां पर हैवी मिनरल्स एरिया है तो वहां पर क्या है कि हम पंपिंग करके, कुछ मशीनों में जो होता है कि जो है दोस्तों आपने देखा होगा ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस होता है, ट्रैकिंग होता है, और मैनुअली भी आप जो है ग्राउंड बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ग्राउंड बैलेंस क्या करता है कि जहां पर हैवी मिनरल्स होता है उसे जो है ऑब्जेक्ट करके ग्राउंड बैलेंस करके जो है उसे कैंसिल कर देता है, ठीक है, तो उसे ज्यादा जो है डिटेक्ट नहीं करता है। अब उससे कोई बड़ा मेटल मिलता है दोस्तों तो उस पर जो है वो रिएक्ट करता है, उसे सर्च करता है अच्छे से। तो ग्राउंड बैलेंस जो है ये खास करके मशीनों के लिए बहुत अहम बात होती है। ये अगर मैं आसान भाषा में कहूँ दोस्तों, ग्राउंड को और मेटल डिटेक्टर को जो है कंपेटेबल बनाने के लिए ग्राउंड बैलेंस कहते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर एट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। अब जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, जो मेटल डिटेक्टर में जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाली मशीनें होती हैं वो क्या करता है, वो छोटे छोटे टारगेट्स को जो है बहुत जल्दी कैच करता है, ठीक है, और उसकी डेप्थ कम होती है। और जिन मेटल डिटेक्टर में जो है फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है, तो वो मेटल डिटेक्टर क्या है कि दोस्तों छोटे छोटे नगेट्स को नहीं सर्च करता है, वो जो है सिर्फ बड़े टारगेट्स को ही अचीव करता है, कैच करता है, ठीक है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है दोस्तों काफी काफी अहम बात होती है मेटल डिटेक्टर मशीनों में। तो ये खास बात आप जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप जो है मेटल डिटेक्टर मशीन परचेज करना चाहते हैं या ये आपके पास है। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेटल डिटेक्टर का प्राइस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप जो है फर्स्ट टाइम मेटल डिटेक्टर मशीन आप यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अगर जैसे 4-5 फुट तक सर्च करना है या आपको जो है 10-12 फुट तक सर्च करना हो, तो हमारे पास दोस्तों जो है 20,000 से लेकर के आपको जो मशीनें मिलेगी, कम से कम 1.5 या 2 लाख तक की मशीनें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो है 2-3 फुट तक ही सर्च करना है तो 20-25 हजार, 30 हजार रुपए या 40 हजार रुपए तक की आपको अच्छी से अच्छी मशीनें मिल जाती हैं, मिल जाएंगी, ठीक है। या आपको मतलब कि 10-12 फुट तक सर्च करना है तो जो है 40-50 हजार से लेकर के कम से कम 1-1.5 लाख तक आपको जो है अच्छी से अच्छी मशीन आपको मिल जाएगा, अच्छे फीचर्स भी मिल जाएंगे, फंक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब होते हैं, मतलब कि हर एक मेटल डिटेक्टर का अलग अलग प्राइस होता है, उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मशीन चाहिए, ठीक है, या आपको जो है कितने गहराई तक सर्च करना है। हाँ तो दोस्तों अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।